तो दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक ऐलान किया इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने का, जिसके बाद सब हैरान हो गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कार कैसी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कार काफी आप लोगों ने देखी होगी डिज्नीलैंड वगैरह में, जू में, मतलब थ्रीलैंड एरिया में इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं जो कि बैटरी से चलती हैं बच्चों की। लेकिन एक रियल कार बनाना जिसके अंदर पिस्टन्स होते हैं, इंजन वर्क होता है, काफ़ी कुछ होता है, इंजन काफ़ी हैवी टाइप का इंजन होता है जो जाके हॉर्स पावर पैदा करता है, और उसी टक्कर की एक कार बना देना जो इलेक्ट्रिक से चलती हो, जो काफ़ी मुश्किल बात है। ऐलान कर देना आसान था, लेकिन ऐलान के कुछ टाइम बाद ही एलन मस्क की कंपनी ने टेस्ला का एक मॉडल लॉन्च कर दिया, टेस्ला कार का, जिसको आप सभी जानते हैं टेस्ला कार के नाम से, या उसको टैंक जैसा उसका जो लुक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, टेस्ला का खाली एक मॉडल देंगे, टेस्ला मॉडल एक्स है, टेस्ला मॉडल साइबर ट्रक है, इस तरह करके टेस्ला के काफ़ी मॉडल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पे ऑपरेट होते हैं, हम भी बना चुके हैं लोग। फिर इसके बाद को भी ज़्यादा दिन निकल रहे थे कि हंगामा शुरू हो गया, टेस्ला एक मोबाइल फ़ोन निकालना ऐलान मस्क ऐलान करता रहता है, मतलब उसका कोई काम नहीं है। एक के बाद एक तरक्की करने लगता है, फिर इसको देख के एप्पल की भी लालच पड़ गई, उसने फ़ोन की जगह कार बनाना शुरू कर दी, तो ऐलान मस्क ने बोला चलो हम फोन बना देते हैं। फिर इनका एक पाई मॉडल का ऐलान हुआ, मॉडल पाई का मोबाइल फ़ोन कॉन्सेप्ट फोन है भी है, मतलब इस टाइम तक तो बन चुका है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया था उसके डिजाइनर एंटोनियो डी रूस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इमेज और वीडियो रिलीज कर दी थी, इसके इमेजेस भी वायरल हो गए थे और वीडियो और इमेजेस ज़्यादा वायरल हो गए थे वीडियो से ज़्यादा। कुछ दिन बाद अभी मतलब तकरीबन कुछ वीक्स पहले, एक दो वीक्स पहले टेस्ला का आईफोन उन्होंने एलन मस्क ने सामने हाथ में ला के दिखा दिया, जिस तरह उन्होंने साइबर ट्रक का प्रमोशन किया था, प्रमोशन नहीं खाली इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके अंदर हर फीचर जो है अलग है आपके नॉर्मल लुकिंग सेल फोन से, आईफोन से या सैमसंग से, जितने भी बड़े बड़े हाई रैंक या फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं। और इनका ये भी ऐलान था कि ये चीप होगा प्राइस में इन सब बाकी फ्लैगशिप मोबाइल्स, हालांकि ये रॉकेट साइंस नहीं है सेल फोन बनाना, लेकिन रॉकेट बनाने वाले हैं जिसकी स्पेस एक्स कंपनी है, पेपॉल कंपनी है, एक रॉकेट साइंटिस्ट ने ये कर दिया, मतलब सेल फोन बना दिया, तो पहली बात तो काफ़ी अलग फीचर्स और यूनिटी के करीब रहने वाले बंदे हैं। सेल फोन बनाए जिसमें बाकी कंपनियाँ भी बना सकती थी, इस तरह के फीचर्स भी हैं जिसमें आपका सेल फोन उसके बैक पर जो है एक सोलर पैनल फिक्स कर दिया गया है, जिसकी बैटरी अल्टरेटली एक टेस्ला कंपनी की बैटरी है, तो पहली सी बात है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली मानी हुई टेक्नोलॉजी है उसकी बैटरी है, जो ट्रेन बहुत कम होती है और चार्ज भी बहुत फास्ट हो जाती है, एन भी नहीं होगी उसकी, चार्जिंग लो होती नहीं, उसके बैक पे कोई फोन या एप्पल नहीं लिखा हुआ है, सैमसंग नहीं है उसके पीछे, मतलब उसकी बैक पे एक सोलर पैनल फिक्स है, तो वो फ़ोन को रेगुलर चार्ज करता रहेगा, आप जैसे धूप वाली जगह पे जरा सी रोशनी वाली जगह पे भी जाओगे तो वो आपके सेल फोन को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, और उस तरह आपकी बैटरी 50% से डाउन नहीं होगी, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या आप कोई वीडियो गेम कर रहे हो, हर लिहाज से अच्छा है। उसके साथ साथ आपके कैमरे की जो फीचर है, आईफोन में 3 कैमरा हैं, 1 लेंस से 3 लेंस हैं, और इस तरह सैमसंग में भी बहुत अच्छे अच्छे लेंस आ रहे हैं, लेकिन इसका जो पिक्चर रिजल्ट जो भी लिया गया है आईफोन और सैमसंग के साथ, उसमें जो आईफोन और सैमसंग डार्क दिखा रहे हैं, खाली फायर को शो कर रहे हैं, फायर की पिक्चर ली गई है रात के टाइम फुट या फायर लगा के लकड़ियों आग लगा के, तो उसमें ये दोनों सेल फोन जो सैमसंग और आईफोन है ये डार्क इमेज ले रहे हैं, खाली आग नजर आ रही है, उसी जगह पे टेस्ला के जो आईफोन ने लिया है इमेज पूरा क्लियर आ रहा है, बल्कि आगे का सिटी भी नजर आ रहा है, उसके बैकग्राउंड पर जो सिटी है वो भी डार्क था, तो इसमें वो शो हो रहा था। सर इसका पाई नाम क्यों है, पाई एक पॉकेट पीसी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है पाई, जो कोडिंग को करने वाले या इस तरह के इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादातर पॉकेट पीसी, इसका मतलब कुछ पैसे अंदर आप तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। और आप अगर किसी कंट्री में लॉस्ट हो जाते हो, खो जाते हो, घूम जाते हो, आपका पास अपना पर्सनल सेल फोन है जो सैमसंग या आईफोन का होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, आप इसको कॉल करोगे भी तो कैसे करोगे, ओपन हॉटस्पॉट ढूंढोगे, वाईफाई ढूंढोगे तो व्हाट्सएप से कॉल कर लोगे, लेकिन इसका जो नेटवर्क है आईफोन का टेस्ला ये इनकी अपनी सेटेलाइट से कनेक्टेड है स्टारलिंक से, जिसका नाम स्टारलिंक है, इसका नेट भी चल रहा है जो मार्स पे भी चलेगा और दुनिया में भी चलेगा, मतलब प्लैनेट अर्थ पे भी चलेगा, प्लैनेट मार्स पे भी चलेगा, तो ये 24 से कनेक्टिविटी रहेगी, इसका आपका बड़ा मसला तो इधर ही हल हो गया हम सबका, कि हमें कोई कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा सिम लेने की है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम चाहते नहीं है ऑप्शनल हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी स्टारलिंक कनेक्टिविटी दी हुई है,
दी गई है, और उसके बाद जो है इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। उनका मंथली रेंट होता है वो देना होता है बस। इसकी प्राइस लुक में अभी $600 तक, $600 तक अनाउंस किए हैं, और अभी सुनने में रूमर्स आ रही है कि इसका प्राइस और डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं ये लोग क्या तीर मारते हैं और बाकी फ्लैगशिप कंपनीज क्या करती हैं इसके रिप्लाई में, कि इसके आते ही बाकी की सेल 10 मिलियन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आईफोन की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन वीडियो। सुंदर थी तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।